আইতা তো মানি আর বেটা হ্যাঁ মানি লইতে যাব না ওর ফুল লই যায় কাটাই দে আমি দিমু আমি তো কই কিউ তুমি আমি দেখছি সব কি হলো সব কি হলো কত কত কাল ইয়া ক কংসাস থাকি আমি তারে বহসময় কই তুই হিতা খাইস পোতা খাইস পোতা খাই আমরা তো কই भैया

मैं हाथी गिरा कर रहने वाला हूँ और उनतीस तारीख को मैं लोअर कुआ कोऑपरेटिव दुकान से इंजन कंपनी का समृद्धि आटा पाँच किलो खरीदा था जो रात को खाने के बाद सुबह मुझे तीन बार डायरिया हुआ मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से हो रहा है पर जब दोपहर को मैं ये रोटी खाया तो मेरे को थोड़ा तीखा लगा रोटी तो मैंने घर पर बात किया तो घर वाले बोल रहे हैं शायद आपको बुखार है इसलिए ऐसा लग रहा है पर मेरे को शक हुआ तो मैं उस आटा का पॉकेट को मंगा मंगवा के दिखा, देखा उसमें तो देख रहा हूं ये एक्सपायर डेट का माल मैं खा चुका हूं उसके बाद अभी भी दो बार डायरिया हो चुका है तो मैं ये बताना चाहता हूं एक प्रॉपर्टी वाले हो सकता है बहुत सारे दुकान में ये सामान को बेचते होंगे वहाँ पर जाने के बाद मैं जब बताया कि आप लोगों ने मेरे को एक्सपायर डेट का माल बेचा है तो वो लोग बता रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है एक करीमगंज से माल आया है शायद उन लोगों ने गलत माल भेजा है फिर उन्होंने वहाँ पर फोन लगाया फ़ोन लगाने के बाद वो बंदा बोल रहा है कि ये लेबर की गलती से माल वहाँ पर चला गया है आप मुझे माफ कर दीजिए आप मुझे जो भी गलती सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हो पाएंगे पर मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरा ज़िंदगी बहुत कीमती है अगर आज मैं आटा खा के मेरे परिवार वाले अगर मर जाते तो इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेता मैं सरकार से प्रशासन से सबसे ये चाहता हूँ कि इसका करी, इन, ऐसे धंधा करने वाले लोगों को जो जिन, लोगों को जिंदगी के साथ खेलते हैं इनके साथ इनको कड़ी सजा होनी चाहिए और इस कारोबार को बंद करना चाहिए मैं यही बोलना चाहता हूं हमें ये सब देखना नहीं आता अगर मैं इस चीज को समझा नहीं होता तो शायद आज मेरे परिवार में पूरे के पूरे लोग बीमार हो जाते थैंक यू थैंक यू